Hi guys, good morning. Welcome back to my vlog. How are you all? I hope आप लोग मेरे vlogs देख रहे हैं और नहीं देख रहे हैं तो please देखिए यार, क्यों नहीं देख रहे हैं? और हम सुबह उठ चुके हैं और आज के हमारे plans हैं कुछ shoot वगैरह करने के. और आज मैं जाने वाली हूँ कृष्णा नगर भी अपने घर, क्योंकि मुझे आई गेस 15 दिन हो गए हैं या 12-15 दिन हो गए मैं अपने घर ही नहीं गई हूँ. बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है. बीच में शादियां थी एंड देन उसके बाद अंकित की तबीयत खराब हो गई, हम बॉम्बे चले गए. तो अब फाइनली आज मैं जाऊंगी एंड आई विल मीट माय पेरेंट्स. हाय मिली. और अब मैं खेल रही हूँ ओली के साथ. इसको फूंक मारो ना फेस पे तो इतना बड़ा मुंह खुल लेता है, मुझे तो समझ नहीं आती ये क्या ही करता है. देखो आप देख सकते हो कैसे जीभ से हवा खाने की कोशिश कर रहा है. ये देखो मैं डॉगी तो नहीं बन जाऊंगी. ये देखिए मार रहा है मेरे को. बता देख तो सही पर. अरे खून निकलना जरूरी होता है बनने के लिए डॉगी. खून निकलना? अरे मैं तो वैसे भी तू परेशान कर रही, जुबान चेंज करो, मैटर खत्म. नहीं अच्छा आज हमारे घर पे आए बहुत सारे पार्सल. अब हम आपको दिखाएंगे. यह है पार्सल नंबर 1. आप सोचेंगे मैं चाकू लेके हाथ में क्यों घूम रही हूँ, क्योंकि इससे खोलूंगी ना पार्सल को. कपड़े ही कपड़े, कपड़े ही कपड़े. सेल लगी है, सेल सेल सेल. आइए आगे आइए. ये है और पर्स, ये है और पर्स, ये है और पर्स. ये सारे तो पार्सल आज के हैं. कपड़े ही कपड़े. किसको लेने हैं बताइए, सेल लगी है कपड़ों की. एक वहां भी रखा है, एक और आया था, एक वहां भी रखा है. दुकान नंबर बता दे अपनी. आज ये भी है एक पार्सल हमारे पास. आज बहुत सारे पार्सल हैं. पूछ ले से काम. दुकान का ना, दुकान का नंबर हम आपको नहीं बताएंगे. जिसको भी परचेज करना है आप हमें ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमें डीएम करिए, यूट्यूब पे आप हमें कमेंट करिए, पर हम अपना एड्रेस नहीं बताएंगे. और अब हम इन सारे पार्सल्स की करेंगे अनपैकिंग, तो आपको पता लगेगा इसमें है क्या. और ये तो वैसे पार्सल आया है मुझे नायका से. और सबसे पहले मैं यही खोलूंगी, क्योंकि ये सारे पार्सल्स में से सबसे हल्का पार्सल है. तो लेट जस्ट ओपन नायका का पार्सल. और चाकू का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, आई होप ये मुझे ना लगे. वाओ एक बार में खुल गया, क्या बात है, क्या कच्ची पैकिंग करके दी है कि मेरे जैसे इंसान से एक बार में पार्सल खुल जाए, तो क्या ही बात है इसमें. कबाड़ इसमें सामान है, इसमें भी सामान है, इसमें भी सामान है. ओ हो, ओ ये बहुत अच्छा है. ये लॉरियल पेरिस का क्या है, ये लॉरियल पेरिस का कॉम्पैक्ट है जो कि बहुत ही अच्छा है. ये मुझे आया है नायका से. और इसको मैं बहुत जल्दी यूज़ करके बताने वाली हूँ कि कैसा है. और ये खुल नहीं रहा है, अभी तक ओली को दिखा नहीं है कि हम यहाँ खोला खाली कर रहे हैं, वरना वो यहीं आ जाता. ये है कुछ के ब्यूटी का, ओ ये भी के ब्यूटी का कॉम्पैक्ट है जो कि मैं बहुत जल्दी यूज करूंगी. योर इट इज. आई डोंट नो कि अंदर से कैसे, बड़ा स्लीक है यार ये, बहुत पतला है. नाइस, हैंडी है, इजीली कभी भी कैरी हो सकता है. और देन ये क्या है, ये भी कुछ के ब्यूटी का है. ये है के ब्यूटी का मेकअप, वो लिक्विड वाला, वो लिक्विड कह रही हूँ, पाउडर वाला होता है ना, सेटिंग पाउडर. ये के ब्यूटी का सेटिंग पाउडर है. और ये सब मैं बहुत जल्दी यूज करूँगी. लेट्स जस्ट सी हमें और क्या आया है. ओ ओ ओ ये है मस्कारा जो कि अगेन है लॉरियल पेरिस का. और ये है अगेन लॉरियल का कंसीलर. सो ये रहा हमारा नायका का सामान. नायका वालों ने लगता है कंजूसी करी है, बड़ा कम सामान भेजा, कुछ ज़्यादा भेजना चाहिए था. और अब हम खोलते हैं हमारा अगला पार्सल, इसमें देखते हैं क्या है. वैसे तो मुझे पता है इसमें कपड़े हैं, बहुत आराम से खोलना पड़ेगा. डर लगता है यार खोलने से पहले कि कभी कपड़ों में ना लग जाए, ना ही लेने के देने पड़ जाए. चले थे कुछ करने, हो कुछ गया, इसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए आराम से खोलना चाहिए. जल्दीबाजी का काम होता है किसका, शैतान का. शैतान का, तो हम तो शैतान है नहीं, हम तो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं अपने माँ बाप के, शरीफ बच्चे, शरीफ बिल्कुल शरीफ. जैसे सिम खलदा सिम सिम. बड़ा ही मुश्किल था, ऐसा लग रहा है 10th का एग्जाम मुश्किल नहीं होता इतना जितना डब्बा खोलना मुश्किल है, मुझे ऐसा लग रहा है.
बोर्ड जिससे ज्यादा इजी होते हैं। देख रहे हो मेरी ताकत, देख रहे हो ऐसे यूं 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 करके घुमा दिया मैंने पास। यार इसके अंदर तो एक और पार्सल है, मतलब इसके अंदर एक और पैकिंग है जो हमें खोलनी है। ओहो बड़ा मुश्किल है भैया, इतनी पक्की पैकिंग करके भेजी है। गाइस इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर है कैन कैन। आप देख सकते हैं कि ये ब्लाउज कितना प्यारा है, सुंदर सुंदर सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर, वाह वाह वाह, नाइस। अब इस ब्लाउज के साथ है हमारा लहंगा, और लहंगा है बड़ा महंगा। ओहो अंकित, अगर तूने पकड़ लिया मैं मान जाऊंगी, ये कोई पहन के कैसे ही चल सकता है, कैसे। और भाई थैंक गॉड ओली बिजी है, वरना भी लेने देने कर देता इसकी। सामान के गत्ते में बिजी हो गया, उसको एंटरटेनमेंट मिल गया, उसे पता नहीं है कि असली मुद्दा तो यहाँ है। ओके अब हम आपको दिखाएंगे लहंगा, है ना कितना सुंदर, बहुत ही सुंदर है। और इसका ब्लाउज मैंने अभी आपको दिखाया था, सो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना सुंदर लहंगा है ये, और कितना सुंदर लगने वाला है ये पहन के, दिल आ गया इस पे तो, बहुत ही सुंदर है। गाइस दीदी और पापा नया स्पीकर लाए हैं, आप लोगों को मेरी आवाज बहुत ही अच्छी आ रही होगी ना, एकदम क्लियर, मुझे ऐसा लग रहा है मैं भेंटे गाने वाली हूँ। कौन सी भेंट गाऊं, भेंट तो याद नहीं आ रही, गाना याद आ रहा है, ओ मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। पड़ोसी गई है, पता नहीं इनके घर में कौन सा सिंगर आ गया, बेसुरा जो गा रहा है। इसी बात पे बोलो, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी। अब आ गई मेरी बढ़िया आवाज, अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं रोज थोड़ी भेंटे भी गाया करूँ, क्योंकि स्पीकर आ चुका है, माइक आ चुका है, दीदी पापा की एंटरटेनमेंट है, कुछ ना कुछ लाते रहते हैं अपने टाइम पास के लिए, और अब इससे मेरा भी टाइम पास हो गया है। अब मैं नेक्स्ट ओली को लेके आऊंगी यहाँ पे, और उसको बोलूंगी तू धीरे भौंकते ना, तेरे आगे माइक लगाऊंगी, फिर तू भौंकियो, दिखाओ दिखाओ। ये है हमारा नया स्पीकर, ये बात दुनिया को पता है, दुनिया को ये बात पता है कि फैबलुक क्या है, और अंशु हमारे घर के लड़के को नहीं पता, कह रहा है अच्छा ये बताओ फैबलुक में है क्या, ये इस गोले का प्राणी नहीं है भाई, ये किसी और गोले से आया है, मैगजीन है अंशु भाई। अच्छा खुद मुझसे आपने बोल दिया मैगजीन है, और इसने ये प्रूव कर दिया एलियन बन के, ये देखो ये मुंह छुपा रहा है, पीछे से एलियन नहीं लग रहा, जादू काम कर रहा है, मुंह छुपाना अंशु भाई जादू। ये हो रही है अंकित की हेड मसाज बाय बाय ओली, ये पता नहीं क्या कर रहा है, मेरे को लग रहा है अंकित का सर दबा रहा है, इसको पता है कि अंकित के सिर में दर्द है। तुम्हारे चक्कर में ना मेरी सारी मसाज खराब हो जाती है, क्या था मैं कैमरे में तुम आ जाओ, क्योंकि तुम जानवर से काम लेते हो, फंस जाओगे तुम किसी दिन, चक्कर में नीचे उतर जाता हूँ, कह रहे चक्कर में नीचे उतर जाता हूँ कि तुम्हारे पे कोई केस वेस ना आ जाए। अभी रुक जा कैमरा बंद होने दे फिर काम करेंगे। हेलो बोल दे ओली, हेलो आप लोग देख रहे होंगे हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बन रही है देसी दवाई, क्योंकि अंकित को बहुत ज्यादा खांसी जुकाम है, फीवर उसका ठीक हो गया बट खांसी जुकाम ठीक नहीं हुआ है, तो हम बना रहे हैं देसी नुस्खे वाली दवाई, जो पुराने जमाने में दादियाँ नानियाँ अपने पोते पोतियों को देती थी, यहाँ पे कोई दादी और नानी नहीं है, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है, हमें खुद ही देखना पड़ता है, तो हम अंकित के लिए बना रहे हैं एक देसी दवाई, जिससे कि अंकित को लास्ट टाइम भी जब ऐसे प्रॉब्लम हुई थी तो बहुत फर्क आया था, तो मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ कि इस बार भी अंकित को फर्क पड़ेगा। और अगर ये आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, इसमें हम मतलब अदरक, कच्ची हल्दी, लौंग, काली मिर्च, शहद, सेंधा नमक, ये सब मिक्स करेंगे, और ये खाली पेट सुबह लेनी होती है और रात को खाना खाने के बाद, ये आप बीच में इसको लेने के बाद आप कुछ भी नहीं खा सकते। सो
आई जस्ट होप, मतलब जो दवाइयाँ हम डॉक्टर से लेते हैं उसके साथ साथ अगर हम ये सब दवाइयाँ भी लेंगे तो हमें जल्दी आराम आता है। अदरवाइज तो डॉक्टर की दवाइयों से 10 दिन तो लग ही जाते हैं भाई ठीक होने में, और हमें जल्दी ठीक होना है भाई। हमें जाना है कहीं 29th को, आपको देखने को मिलेगा हम कहाँ जा रहे थे। सी माई हैंड, कच्ची हल्दी से मेरे हाथ का हाल देखो और मेरे नेल एक्सटेंशन का हाल देखो। और मैं तैयार इसलिए हूँ क्योंकि अभी हमें शूट करना है। लहंगे तो इतने महंगे महंगे दे देते हैं 15-15, 20-20 लाख रुपए के, और उसके बाद उसकी ऑल्ट्रेशन नहीं करा के भेजते। भाई कैसे प्रमोट करें हम, ऑल्टर तो कर दो, अब सारी जिंदगी ऐसे क्लैंप पे तो नहीं कटेगी, बड़ी दिक्कत है। बस शूट करने लायक रहते हैं, आप कहीं पहन के जा नहीं सकते। शूट करके वापस, ये क्या बात हुई यार। और आज पता है सबकी बैंड बजी पड़ी है, संतोष को भी जुकाम हो रहा है, अंकित तो ऑलरेडी जुकाम खांसी चल रहा है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लेजी वाला फील हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। गॉड प्लीज हेल्प अस। और अभी हम शूट भी कर रहे हैं क्योंकि हमारा एज यूजुअल जो बल्क का कंटेंट है वो ख़त्म हो चुका है और हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ना तो स्टेमिना है शूट करने का और ना ही टाइम मिल रहा है, क्या करें। बट करेंगे ब्रो, करेंगे, वील डू इट। यार ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर है, जो सच बात है, मतलब तारीफ के लायक है। बट इसमें जो काम हुआ है ना, वो लहंगे के साथ, चुन्नी के साथ, ब्लाउज के साथ बस अड़े ही जा रहा है। मुझे पता है मैंने शूट कैसे किया, पहना हुआ तो बहुत ही सुंदर लग रहा है और जो हमने रील शूट किया है वो उससे भी ज्यादा सुंदर है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई लाइक इट। गाइस हमारा शूट हो गया है, बस हमने एक ही लुक किया है बहुत मुश्किल से, वो भी हमारे फोटोग्राफर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये क्या छुपा है? वो नहीं दिख रहा। ये हम छुपा रहे हैं, निंजा टेक्निक्स, ये निंजा टेक्निक्स है शूट करने की। ये हैंग करने का होता है, दिखाना है। हाँ, ये लहंगे का हैंग करने का होता है, इससे हमने अपने आप को बांध दिया क्योंकि इस लहंगे में नाड़ा ही नहीं है और ये बहुत लूज है। हमें बैक का शॉट लेना था, हमने आगे से ऐसे बांध दिया। जब हमने फ्रंट का शॉट लिया था तो हमने इसे पीछे ऐसे बांध दिया था। इसे कहते हैं जुगाड़। किसका दिमाग था ये? अंकित जी का। ये दिमाग सिर्फ अंकित जी के पास है बेचारे। मैं चाहती हूँ कल तक ही ठीक हो जाए भाई, बड़ा परेशान हो गए हम, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। बहुत दिनों से हम लोग भी घर बैठे हैं और ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब यार होता है ना, अच्छा नहीं लगता। घर में कोई भी एक बंदा बीमार हो तो सारा मूड खराब हो जाता है। खाऊं नहीं रुक रही इसकी। आई जस्ट होप कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हम पूरे दिन कुछ कर भी नहीं पा रहे, ना शूट कर पाते हैं, ना एंजॉय कर पाते हैं, ना कहीं जा पाते हैं, ना कहीं आ पाते हैं, और सबसे ज़्यादा तो बेचारे ओली को अभी तक डॉक्टर के पास नहीं लेके जा पाए हैं। तो आई जस्ट होप कि जल्दी जल्दी ठीक हो और फिर हम घर से बाहर निकले थोड़ा। और अब ये अंकित की निंजा टेक्निक को खोलना है, जो कि है बहुत मुश्किल। और ये जो मैंने सेट पहना है, मैंने अपनी कॉकटेल पे लिया था जो, उसके बाद मैंने ये सेट आज पहना है। ये वाला सेट है, डब्बा तो खा लिया है। अच्छा। मेरी गर्दन दिखा। अच्छा। डब्बे में क्या दिखाने जा रहा है। और ये फाइनली नाड़ा खुल चुका है और अंदर से आती है हमारी जीन्स बाहर। वी आर ऑल, ये हमारी हील्स जो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही लहंगे के साथ, पर दिखनी कहाँ है। मेरे पास हाई हील्स यही थी, नहीं है और, बटन में मैं कंफर्टेबल नहीं रहती। वैसे किसी भी हील में मैं कंफर्टेबल नहीं रहती, डिंगी चुब्बी चलती रहती हूँ, मेरे से चला नहीं जाता हीलों में। डिंगी चुब्बी मतलब उल्टा सीधा, टेढ़ी मेढ़ी। या सो अब हम करेंगे फटाफट चेंज। जबरदस्ती इतने पूरा घर फैला रखा अपने सूट के चक्कर में। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू।